वैसे कहने को तो अभिव्यक्ति की आजादी है सभी की, और इसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जब कोई फिल्म बनाई जाती है, जब कोई फिल्मकार कुछ सत्य घटनाओं को लेकर फिल्म दिखाना चाहता है, लोगों की आंखें खोलना चाहता है, तो उससे अप्रत्याशित डर और नफरत का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की फिल्म की, जिसका ट्रेलर पिछले महीने रिलीज हुआ, और उसका ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही जो है फिल्म विवादों में आ गई। कहा जा रहा है कि यह फिल्म बंगाल की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से बनाई गई है, और इसके बाद इस फिल्म पर केस दर्ज कर दिया जाता है पश्चिम बंगाल के किसी एक पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद वहां की पुलिस जो है डायरेक्टर सरोज मिश्रा को समन भेजती है 30 मई तक पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए, ताकि उनसे सवाल जवाब तलब किया जाए। और सरोज मिश्रा यह कहते हैं कि उन्हें अब डर सता रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा इसके बाद, और वो वहां से आ ही नहीं पाएंगे, उन पर कोई बोगस चार्ज लगाकर उन्हें जेल के अंदर बंद भी कर दिया जा सकता है, और उसके बाद उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो सत्य घटना पर आधारित है, और इस फिल्म को वो लोगों को दिखाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य किसी की छवि को धूमिल करना या खराब करना नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेलर की, इस ट्रेलर में क्या है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रेलर में क्या है, तो आइए बताते हैं कि इस ट्रेलर में 2 मिनट 12 सेकंड के ट्रेलर में दिखाया गया है। सबसे पहले तो यह दिखा दिया गया है, डिस्क्लेमर दिया गया है कि यह फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म है, इसका उद्देश्य है जन जागरण, न कि किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ विशेष कि उनको कोई ठेस पहुंचाना। इसके बाद में ट्रेलर एक वॉइस ओवर के साथ शुरू होती है, जिसमें एक आवाज सुनाई देती है। यह कहती है वो आवाज कि वैसे तो लोकतंत्र जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब यह भी है कि अगर बहुमत अगर मुसलमानों की होगी तो कानून भी शरीयत होगा। और इसके बाद ममता बनर्जी के गेटअप में नजर आने वाली एक महिला को दिखाया जाता है फिल्म में, जो जोर शोर से यह कहती है कि CAA और NRC को कतई यहां पर लागू होने नहीं दिया जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में लागू होने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से कई हिंदू परिवारों के 200 हिंदू परिवारों के घरों को जला दिया गया वहां पर, और उसके बाद उनके साथ कई तरह की घटनाएं हुई, और किस तरह से संगठित रोहिंग्या मुसलमानों को और कट्टरपंथी बांग्लादेशियों को वहां पर सरकारी शरण देकर बसाया जा रहा है, किस तरह से हिंदुओं के घरों में डर का माहौल है और वहां की बहू बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, नृशंस घटनाएं हो रही है, किस तरह से वो भागने को मजबूर है, और किस तरह से वहां के जो रोहिंग्या मुसलमान है वो देश के कोने कोने में फैलते जा रहे हैं, किस तरह से वहां के जो हिंदू तीज त्योहार है उसे मनाने के लिए भी डर का माहौल है, और किस तरह से वहां पर सब कुछ चल रहा है, एक अलग ही तरह की राजनीति चल रही है जो जिसमें डर है सभी हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं का पलायन जारी है, और वहां की हालत जो है वो कश्मीर से बदतर होती जा रही है। यह सब कुछ ट्रेलर में हमने देखा, और वहां पर मैंने कमेंट्स भी पढ़ा दोस्तों, तो कमेंट में सो लोगों ने 100% इस फिल्म को समर्थन किया है। लोग लिख रहे हैं कि हम लोग बंगाल में रहते हैं और हम जानते हैं कि यह फिल्म एकदम सत्य घटनाओं को दिखाने जा रही है, लेकिन अब डर यह है कि अब इसके डायरेक्टर को डर यह है कि क्या यह फिल्म उनकी रिलीज होगी या नहीं होगी, या किसी तरह के उन्हें चार्जशीट में फंसाकर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकारी संरक्षण देकर या किसी भी तरह से उनके डर को दूर किया जाए, और इस फिल्म को फिल्मकार कहते हैं कि इस फिल्म को उन्हें अगस्त तक रिलीज भी करना है। तो यह फिल्म अब देखना दिलचस्प होगा कि यह फिल्म किस तरह से रिलीज होती है, CBFC जो है इस फिल्म पर कितने काट छाट लगाती है और किस तरह का सर्टिफिकेट देकर इस फिल्म को लोगों के सामने लाती है। हालांकि यह फिल्म लोगों को देखने की दिलचस्पी बढ़ गई है, क्योंकि अभी जो फिल्म आई थी द केरल स्टोरी उसमें भी सत्य घटना को दिखाया गया था, जिसके बाद उसके फिल्मकारों को भी काफी कुछ सहना पड़ा, लेकिन यह फिल्म चली, और उसके बाद चली क्या दोस्तों, बहुत चली है। अब तो यह बॉलीवुड की इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की गिनती में आ चुकी है। तो इसके बाद जितनी भी फिल्में हैं इस तरह की, उन सभी का मंसूबा बढ़ा है कि वो भी अपनी फिल्मों को रिलीज करें और उनकी भी फिल्मों को रिलीज कराया जाए। तो अब यही देखना होगा कि इस फिल्म को किसी तरह से रिलीज किया जाए, लेकिन कुछ ऐसा ना कर दिया जाए जिससे कि किसी को खतरा हो। वेल, अगर खबर अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलता हूं अगली खबर में आपके साथ, नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, ओम शांति।